इस्तीफा तो इनको देना लाजमी था। कुछ विधायकों को लेकर के वो एक नया गुट भी बनवा सकते हैं, बना करके वो राजद का समर्थन करेंगे। एनडीए के लोग ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार 100% तय कर चुके हैं। मेरे समझ से व्यक्तिगत मेरी भावना है कि राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे असेंबली भंग कर देंगे और लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। इस्तीफा तो इनको देना लाजमी था, ये तो रिवोल्ट नहीं कर सकते थे। इनको कोई वहाँ पार्टी में ऐसे वर्चस्व नहीं था कि स्टैंड कर जाते और कहते कि नहीं चुनाव कराइए, हम अध्यक्ष रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। अब रही बात कि इस्तीफा देने के बाद इनका आगे का कार्यक्रम रहेगा, इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग जब जाते हैं तो जो हम लोगों को जानकारी है कि कुछ विधायकों को लेकर के वो एक नया गुट भी बनवा सकते हैं, बना करके वो राजद का समर्थन करेंगे। ललन सिंह वैसी परिस्थिति में यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होगी। इस चीज से निपटने के लिए नीतीश कुमार जी बहुत पहले से ही अपना ताना बाना बुने हैं, पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह सब कुछ कराए हैं। वो तैयार हैं कि अगर स्थिति उनके बियॉन्ड जाती नजर आएगी तो वो राष्ट्र लोकसभा के चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव करा देंगे। तो ऐसे में क्या सर उम्मीद है कि नीतीश जी फिर एनडीए की तरफ आ सकते हैं? अब राजनीति संभावनाओं का खेल है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं इसके बारे में कुछ टेंजिबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और हम तो समझेंगे कि इविल होता है और लेसर इविल होता है, तो वैसी परिस्थिति में लेसर इविल को आदमी को सोचना चाहिए, इविल को नहीं सोचना चाहिए। तो उस परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए या उनको ताकत मिले। वो चाहेंगे कि भाजपा के ही लोग कुछ ऐसा शर्त बने, नीतीश जी हो सकता है समर्थन दे दें कि भाजपा के ही लोग मुख्यमंत्री बन जाएं या उनसे मिलजुल करके ही राजनीति करें, तो उससे स्थिति हो सकती है कि यहाँ सरकार चल सकती है कुछ दिन। अगर वैसा नहीं होगा तो नीतीश कुमार 100% तय कर चुके हैं। मेरे समझ से व्यक्तिगत मेरी भावना है कि राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे असेंबली भंग कर देंगे और लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव में अब क्या है, आज मात्र 70 दिन बच गया है डिक्लेयर होने में, तो ऐसी परिस्थिति में एक गेम नीतीश